अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ ज़बरदस्त नई वैकेंसी शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी में दोस्तों नई वैकेंसीज आएंगे, नेपरा में दोस्तों नई नौकरी आई है। सबसे पहले आप लोगों को इश्तहार दिखा देता हूं, उसके बाद आप लोगों को अप्लाई करने का तरीकाकार गाइड करूँगा। दोस्तों, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा में दोस्तों वैकेंसीज हैं। सबसे पहली पोस्ट है सीनियर एडवाइजर हाइड्रो की। इसमें दोस्तों जस्ट आप लोगों का इंटरव्यू लिया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें डिप्टी डायरेक्टर, उससे अगली पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर, 10 वैकेंसीज हैं। टेक्निकल असिस्टेंट 5 वैकेंसीज हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव 7 वैकेंसीज हैं। डिस्पैच राइडर 3 वैकेंसीज हैं। फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव 2 वैकेंसीज हैं। नायब कासद टोटल 7 वैकेंसीज हैं। हर एक क्या दोस्तों मुकम्मल क्राइटेरिया दिया गया है। नीचे दोस्तों जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस भी दी गई हैं और अप्लाई करने के तरीकाकार भी दिया गया है। इश्तहार की तफसील के लिए दोस्तों आप लोग हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, dailyjobinform.blogspot.com। वेबसाइट का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्क्रॉल डाउन करते नीचे आएंगे दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को वो तमाम इश्तहारात मिल जाएंगे। उन तमाम इश्तहारात की तफसील आप लोगों को यहाँ पे आसानी से मिल जाएगी, जो रोज़ाना की बुनियाद पर नई वैकेंसी आती हैं। अब आप लोगों को दोस्तों मैं अप्लाई करने का तरीकाकार बता देता हूँ। OTS की वेबसाइट के जरिए दोस्तों आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसका लिंक भी आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्क्रॉल डाउन करते नीचे आएंगे दोस्तों, यहाँ पे वो तमाम वैकेंसीज आ गई हैं जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर की हैं। हर एक क्या दोस्तों मुकम्मल क्राइटेरिया दिया गया है। व्यू पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप लोगों के पास उसका मुकम्मल डाटा आ जाएगा, जिसका इश्तहार और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को अप्लाई करने में कहीं भी मसला पेश है तो आप लोग मुकम्मल रहनुमाई ले सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मज़ीद इस तरह की वैकेंसीज और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल डेली जॉब इन्फो को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।